मोदी जी से लेके खट्टर साहब तक सबकी आदत यही खराब है। जन संवाद नहीं है, ये जन विवाद कार्यक्रम है। स्कूल अच्छे कर पाए ना, अस्पताल अच्छे कर पाए ना, बिजली 24 घंटे दे पाए ना, पानी घर घर पहुंचा पाए। रोहतक और सोनीपत दोनों बाप बेटा हार गए थे, इनका क्या आधार है टिकट मांगने का या सीट मांग। आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट बार में पहुंचे थे और सभी वकील साथियों से यह अनुरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे कि 10 अक्टूबर को संविधान बचाओ मार्च दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार संविधान पर लगातार हमले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जुडिशियरी को भी ओवरपावर कर सकते हैं वो लोग, जिस तरीके से सरकार लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ़ एक बुलंद आवाज़ है ये सभी लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से। हरियाणा और दिल्ली के 10,000 वकील साथी इस मार्च में हिस्सा लेंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए करीब 25,000 वकील साथियों के सिग्नेचर्स एक मेमोरेंडम पर लिए जा रहे हैं, जिसमें इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया है। वो मेमोरेंडम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस दिन मार्च के बाद दिया जाएगा, संविधान बचाओ मार्च के बाद, और एक पुरजोर आवाज़, एक मजबूत आवाज़ इस बात के लिए खड़ी की जाएगी कि देश के कानून और संविधान से किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहां से कहां तक जाएगा मार्च? ये पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मार्च दिल्ली में होगा 10 अक्टूबर को, और 10,000 हरियाणा और दिल्ली के वकील साथी इसमें सार्थक तौर पर हिस्सा लेंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। और कौन कौन से नेता आ रहे हैं? देखिए, ये लीडर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये लीगल फ्रेटर्निटी का प्रोटेस्ट है, ये लॉयर्स का प्रोटेस्ट है। और इसलिए लॉयर्स का प्रोटेस्ट है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से नए एक्ट लाए जा रहे हैं, कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के किए जा रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी है उसमें से चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के पूरे देश की लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर बहुत चिंताएं हैं, वकीलों के अंदर बहुत चिंताएं हैं। इसलिए सांकेतिक रूप से हरियाणा और दिल्ली के वकील मिल करके पहले ये मार्च निकाल रहे हैं और उसके बाद पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब के अंदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने पंजाबियों से झूठ बोला है, 50 करोड़ रुपए या कुछ ऐसी बात अरविंद केजरीवाल ने कही होगी कि हमने वहाँ खर्चे हैं या उससे भी ज़्यादा, तो कोई ऐसा वहाँ पर खर्चा हुआ ही नहीं है। देखिए, सुखबीर बादल जी की राजनीति खत्म हो गई है, बादल परिवार की राजनीति खत्म हो गई है। जो कहते थे कि बादल परिवार में से कई कई सदस्य विधानसभा में होंगे, आज देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और सुखबीर बादल जी का तो काम ही अब यही रह गया है कि कहना, क्योंकि लोग उनकी सभाओं में आ नहीं रहे, उनको नेता मान नहीं रहे, उनकी राजनीति चल नहीं रही, तो आरोप लगा के राजनीति चलाना चाहते हैं, हम ऐसी राजनीति को हवा नहीं देते। हरियाणा में आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल हरियाणा की राजनीति को? ये जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं ये जन संवाद नहीं है, ये जन विवाद कार्यक्रम है, जहाँ पे वो जनता के साथ विवाद स्थापित कर रहे हैं, संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं। कोई अगर महिला उनसे रोजगार मांग ले, कोई फैक्ट्री लगाने को कहे, कहते हैं चंद्रयान में भेज देंगे तुमको, कोई युवा अगर उनसे अपने एग्जाम के बारे में सवाल पूछे, अपनी पुलिस से उसको उठवा देते हैं, बोलते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई कार्यकर्ता नशे पे सवाल पूछे तो बोलते हैं इसकी पिटाई करो पहले फिर इसको बाहर लेके जाओ यहाँ से, कोई महिला अपने बच्चे के नशे से मर जाने के ऊपर सवाल करे बोलते हैं तुम्हें सिखा के भेजा है किसी ने, ये जनसंवाद थोड़ी है। अपने मन की बात कह देना और जनता की नहीं सुनना, इसको जनसंवाद नहीं कहते हैं। मोदी जी से लेके खट्टर साहब तक सबकी आदत यही खराब है, अपने मन की बता देते हैं, जनता के मन की नहीं सुनते हैं। इसलिए हमको तो फ़ायदा ही है, जितना ये जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं उतना ही जनता, इनकी पोल खुलती जा रही है जनता के सामने, और उतना ही जनता को मन बनाने में मदद मिलेगी, और उतना ही 2024 के अंदर इनकी जमानतें जब्त होंगी। जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, पिछले दिनों ने वहां पर रैली भी की, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए आजकल राजस्थान के दौरे पर हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको समझ आ गया है कि उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए शटर डाउन करके अपने आप दूसरे राज्यों के अंदर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आया है, उनको 2024 में हम समझा देंगे, उनका शटर हम डाउन करेंगे, वो हमारे हाथों लिखा है। हरियाणा में आपको लगता है बैलेंस बन जाएगा 10 लोकसभा के अंदर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, कांग्रेस भी है,
इनेलो क्या पता आ जाए। देखिए आम आदमी पार्टी की तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर है। हम अपना संगठन 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 विधानसभा सीटों पर अनाउंस कर चुके हैं और वो संगठन अब गांव-गांव में फैल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इंडिया गठबंधन की है वो फैसला करेगी कि हरियाणा में सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये जो रोज़ाना हुड्डा साहब निकल करके कुछ कुछ बयान दे देते हैं, मैंने तो दो चार दिन पहले सुना, बोले कि आम आदमी पार्टी का क्या आधार है सीट मांगने का। तो मैंने पलट के उनसे पूछा भी था, जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। मैंने कहा जी रोहतक और सोनीपत दोनों बाप बेटा हार गए थे, इनका क्या आधार है टिकट मांगने का या सीट मांगने का। प्रबल दावेदार कांग्रेस पहले कहते थे कि मैं पिछली बार मुख्यमंत्री के चेहरे से, इस बार मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव होने के बाद चुनेगी कांग्रेस और फिर उसके बाद प्रबल दावेदार होने तक। तीन बार भूपेंद्र हुड्डा जी ने बयान बदला क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। तो स्टेट पूरा नेता मानेगा वो तो अब वो सपने में ही सोच सकते हैं। अब हरियाणा इन सब पुरानी पार्टियों की राजनीति से आगे निकल चुका है। इन्होंने 25 साल तक कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा पे राज किया, ना स्कूल अच्छे कर पाए, ना अस्पताल अच्छे कर पाए, ना बिजली 24 घंटे दे पाए, ना पानी घर घर पहुंचा पाए, गांव में कोई काम बेसिक सुविधाओं का नहीं हुआ। 9 साल हो गए बीजेपी को, कोई बेसिक काम नहीं हुआ। इसलिए अब लोग मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब से सटी हुई बेल्ट में तो इसी वक्त ज़बरदस्त आंधी चल रही है। चुनाव आने दीजिए, चुनाव आते आते पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त आंधी चलेगी। दिल्ली में सर 20 से ज़्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हुए, कहना चाहेंगे क्या कारण रहा? देखिए जिन नेताओं की भ्रष्टाचार की दुकान नहीं चलती उनका स्वागत है वो कहीं भी जाएं। हमें नेताओं के दम पे राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आम आदमी के दम पे राजनीति करती है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के कई नेता मुझसे पूछते हैं कि यार ये करते कैसे हो आप लोग, दिल्ली में सुपड़ा साफ कर दिया, पंजाब में सुपड़ा साफ कर दिया, हम लोग समझ नहीं पाते कैसे करते हो। तो मैंने कहा कि आप समझने का प्रयास नहीं करते, आप सोचते हो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ते हैं वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। हमारा तो सिर्फ सिंबल होता है झाड़ू का, आम आदमी चुनाव लड़ता है। और जब आम आदमी चुनाव लड़ता है तो फिर राजनेता, तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां उसके सामने टिक नहीं पाती, पत्ते की तरह उड़ जाते हैं। जनता के बीच चर्चा है कि आप जिस तरीके से करनाल दौरे पर आते हैं, आप यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे जहां से भी आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी कह देंगे, मैं वहीं से पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बार बार ये कहा है कि मैं एक सीट, दो सीट, 10 सीट मुझसे सवाल मत पूछा करो। अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है। 90 की 90 विधानसभा सीटें और 10 की 10 लोकसभा सीटें मेरी हैं। सब जगह से उतनी ताकत, उतने ही दमखम से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का जहां से आदेश होगा वहीं से लड़के जीत के दिखाएंगे। सर एमपी की टिकट जो है बीजेपी की जो कैंडिडेट रही है वो आम आदमी पार्टी में आई है, उनको दिया गया है दे दिया है क्या किसी को टिकट? किसी ने दे दिया है अपने मन से, किसी ने ले लिया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक टिकट का कोई चर्चा किसी तरह का नहीं हुआ है।